अस्सलाम वालेकुम, लेट डिस्कस सम न्यूमेरिकल फ्रॉम चैप्टर नंबर टू। न्यूमेरिकल वन स्टेट्स है, अ वर्टिकल पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेन्स वाटर एंड इज बीइंग हीटेड ऑन अ टॉप ऑफ अ रेंज। ड्यूरिंग द प्रोसेस 65 किलो जूल ऑफ हीट इज ट्रांसफर्ड टू द वाटर एंड हीट लूसेस फ्रॉम द साइड वॉल्स अमाउंट टू 8 किलो जूल। द पिस्टन राइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन एंड 5 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द वेपर्स। Determine the change in the energy of the water for this process. Now, देख लेते हैं इस प्रॉब्लम को, देखते हैं इसको लाइन बाई लाइन कि प्रॉब्लम क्या है। हमारे पास एक वर्टिकल पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, जैसे हमने डिस्कस की थी क्लास के अंदर, थ्योरी के अंदर, जिसके अंदर वाटर है। हो ये रहा है कि वाटर को हमने हीट किया है और जो पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है वो एक रेंज के ऊपर रखी हुई है। रेंज मीन्स कि एक स्टोव है या चूल्हा है, और उस प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है कि 65 किलो जूल्स जो एनर्जी है, हीट है, वो स्टोव से पानी में जा रही है। मतलब पानी में इतनी हीट इन हो रही है। साथ साथ हीट लॉसेस फ्रॉम द साइड वॉल्स अमाउंट टू 8 किलो जूल्स। कितनी एनर्जी लूज कर रहा है वो साइड वॉल जो आपके पास पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, वो है 8 किलो जूल की। द पिस्टन राइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन। अब सिंस इट्स अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि वाटर जो है बॉयल हो रहा है, और जो वर्क डन हो रहा है उस पिस्टन का वो है 5 किलो जूल्स का जो वेपर्स कर रहे हैं। सवाल ये कि डिटरमाइन द चेंज इन द एनर्जी ऑफ द वाटर फॉर दिस प्रोसेस। पानी के अंदर जो एनर्जी चेंज है वो कितनी है, तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास सिस्टम में क्या क्या है। सिस्टम में आपके पास एक स्टेशनरी पैन है जिसमें काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है, बिकॉज द चेंज ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर रिलेटिवली वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट जीरो, राइट। अब जो इक्वेशन हमने पहले पढ़ी थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ई इन माइनस ई आउट इक्वल्स टू डेल्टा ई, तो एक्चुअली सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, आपके पास सवाल में पिस्टन सिलेंडर डिवाइस में कुछ इनलेट्स हैं और कुछ आउटलेट्स हैं एनर्जीज के, और कुछ वर्क डन हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि ई इन कौन सा है और ई आउट कौन सा है, और डेल्टा ई आपको निकालना है कि तब चेंज कितना आया सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास इन कौन सा है। हमारे पास 65 जो BTU एनर्जी है आपकी, वो सिस्टम में एंटर हो रही है किसके ज़रिए, थ्रू द स्टोव पानी के अंदर, ठीक है। तो आपके पास ये जो ई इन माइनस ई आउट देख लेते हैं, आपके पास जो भी ई इन है वो पॉजिटिव है और जो ई आउट है वो नेगेटिव है। अब ई इन के जो कंपोनेंट्स हैं वो सिर्फ एक है, हीट, तो हमने क्यू इन लिख दिया, जैसे 65 BTU। आपके पास ई आउट कौन कौन से हैं, ई आउट आपके पास एक तो एनर्जी रिलीज हो रही है, आपके पास जो लॉस हो रहा है साइड वॉल से वो है 8 BTU क्यू आउट, और जो वर्क डन आपके पास पिस्टन कर रहा है वो भी नेगेटिव है बिकॉज वो आप बाहर की तरफ जा रहे हैं, आप उसके ऊपर कर नहीं रहे। तो क्यू इन पॉजिटिव है, W आउट 5 BTU था जो कि नेगेटिव है, और Q आउट जो लॉस है वो नेगेटिव है। ये तमाम के तमाम चीज़ें किसके बराबर है, डेल्टा E के, इसको हम डेल्टा U कहते हैं। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके थे, जब हम एनर्जी इन और एनर्जी आउट का डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास जो है चेंज ऑफ एनर्जी सिस्टम की आती है, तो डेल्टा U विल बी द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो एग्जैक्टली इसी रिलेशन को इस्तेमाल करके हमने ई इन और ई आउट को लिखा। ई इन यहाँ पे हीट है, ई आउट जो है वर्कआउट था और क्यू आउट था, और बराबर किसके, डेल्टा यू के। सिंपल आपने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, यू विल गेट 52 BTU। तो हो यह रहा है कि जो इस सिनेरियो के अंदर जो सिस्टम है उसकी जो एनर्जी है वो 52 BTU बढ़ गई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम इस चैप्टर का। सवाल इस तरह का है, अ क्लासरूम दैट नॉर्मली कंटेन्स 40 पीपल इज टू बी एयर कंडीशन विद विंडो एयर कंडीशनिंग यूनिट ऑफ 5 किलोवाट कूलिंग कैपेसिटी। हमारे पास एक क्लासरूम है जिसके अंदर 40 लोग हैं और हमें उसको एयर कंडीशन करना है, और एयर कंडीशनिंग के लिए हमारे पास जो एयर कंडीशनिंग यूनिट्स हैं उनकी कूलिंग कैपेसिटी वो है 5 किलोवाट। अच्छा, कूलिंग कैपेसिटी समझ लेते हैं, कूलिंग कैपेसिटी क्या होती है। बेसिकली इट्स अ कॉमन वर्ड, यू शुड नो अबाउट कूलिंग कैपेसिटी, बट लेट मी जस्ट गिव यू एन आइडिया अबाउट कूलिंग कैपेसिटी। 5 किलोवाट कूलिंग कैपेसिटी का मतलब यह है कि आपको उस कमरे को ठंडा करने के लिए 5 किलोवाट जो एनर्जी है, इस रेट से 5 किलो जूल्स पर सेकंड की रेट से एनर्जी को बाहर निकालना होगा, जब भी उठा कमरा ठंडा हो सकता है, इसको एयर कंडीशनिंग कहते हैं, ठीक है। तो हम अभी अमूमन सोचते हैं कि हमारे पास जो एयर कंडीशनिंग यूनिट्स हैं
वो हजार हजार वन वन किलो वाट के या 2 किलो वाट्स के हैं। हमारे पास जो एयर कंडीशन यूनिट्स हैं वो 5 किलो वाट्स के हैं और 40 लोग उसके अंदर कमरे के अंदर मौजूद हैं। अब क्या है कि आ पर्सन एट रेस्ट मे बी अज्यूम टू डिसिपेट हीट एट अ रेट ऑफ 360 किलो जूल्स पर आवर। एक आदमी जो है वो 1 घंटे में 360 किलो जूल्स एनर्जी को रिलीज करता है अगर वो स्टैटिक रेस्ट के हालत में। अगर कमरे में लोग सिर्फ बैठे हुए हैं तो फिर भी कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे। देर आर 10 लाइट बल्ब्स, 10 लाइट बल्ब्स हैं उस कमरे में, ईच विद रेटिंग ऑफ 100 वाट। हर बल्ब की जो रेटिंग है वो 100 वाट है, जिस मीन्स कि यहाँ से भी कुछ एनर्जी वो कमरे में आ रही है जो कि कमरे का टेम्परेचर बढ़ा रही है। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द क्लासरूम थ्रू द वॉल्स एंड द विंडोज इज एस्टिमेटेड टू बी 15,000 किलो जूल्स पर आवर। अब कुछ एनर्जी जो है वो दीवारों से और खिड़कियों से भी कमरे में आ रही है और वो कितनी है, 15,000 किलो जूल्स पर आवर। इफ द रूम एयर इज टू बी मेंटेन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस, अगर कमरे को हमने 21 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करना है तो हमने ये मालूम करना है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ विंडो एयर कंडीशनिंग यूनिट्स रिक्वायर्ड, कितनी कितने यूनिट्स हमें रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर एक विंडो की एसी की जो कैपेसिटी है वो 5 किलोवाट है तो उस कमरे में कितनी कितनी डिफरेंट सोर्सेस से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या एनर्जी दाखिल हो रही है। तो हम इसको देखते हैं, देर आर नो हीट डिसिपेटिंग यूनिट्स इस कंप्यूटर, कमरे में हमने ये बात ज्यूम कर ली कि कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई टीवी नहीं है, कोई रेंजेस नहीं है, रेंजेस मतलब कोई कोई स्टोव या चूल्हा नहीं है। तो जो जो कूलिंग लोड है मतलब कि कितनी एनर्जी जो कूलिंग लोड है जितनी एनर्जी निकालनी है कमरे से वो किस किस की वजह से हो रहा है, एक तो लाइट्स की वजह से हो रहा है, कुछ लोग मौजूद हैं 40 लोग हैं, और कुछ हीट गेन। हीट गेन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो एनर्जी बाहर से अंदर आ रही है, ठीक है। अब जब अंदर कुछ अंदर हीट जनरेट हो रही है लाइट्स की वजह से, कुछ लोगों की वजह से हीट जनरेट हो रही है जो यहाँ पर लिखी हुई है, और कुछ एनर्जी बाहर से अंदर आ रही है। अब हमें इन तमाम एनर्जी को बाहर निकालना है ताकि हम टेम्परेचर को 21 डिग्री पर मेंटेन रख सकें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितनी 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 एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है वो ये डिसिपेट कर रहा है। हमारे पास 10 बल्ब थे, हर बल्ब जो है वो 100 वाट प्रोड्यूस कर रहा है पावर। तो 1 किलो 10 × 100 = 1000 विच इज़ 1 किलो वाट। 40 लोग हैं हमारे पास जो कि 40 लोग हैं और 360 किलो जूल्स पर आवर करते हैं, तो हमने इसको इन टर्म्स ऑफ किलो वाट लिखा, तो दैट विल बी 4 किलो वाट्स। ये आपने कन्वर्ट किया है पर आवर को सेकंड्स में। सिमिलरली जो हीट गेन है वो 15,000 किलो जूल्स पर आवर है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ किलो वाट्स। ये आवर्स है तो आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ जो टोटल कूलिंग लोड है वो कितना हो गया, मेरे पास 1 + 4 + 4.17, दैट इज कमिंग आउट टू बी 9.17 किलो वाट। अब इतनी इतनी किलोवाट आपको एनर्जी जो है वो इस रेट से मतलब 9.17 किलो जूल्स पर सेकंड एनर्जी आपको इस कमरे से बाहर निकालनी है। फॉर दैट यू नीड टू इंस्टॉल एन एयर कंडीशन, और एयर कंडीशनिंग की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 5 किलोवाट। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, इतनी रिक्वायरमेंट है और एक यूनिट जो है 5 किलोवाट का है, अगर डिवाइड करता हूँ मेरे पास नंबर आया 1.83, मतलब मुझे 1.83 एयर कंडीशनर चाहिए उसको एनर्जी को उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। बट सिंस 1.83 इज नॉट अ होल नंबर तो हम उसको 2 यूनिट्स कंसिडर कर लेते हैं। मतलब इस कंडीशन में 40 लोगों के कमरे को जिसमें 10 बल्ब लगे हुए हैं और कुछ एनर्जी बाहर से भी आ रही है उसको मेंटेन करने के लिए यू नीड 2 यूनिट्स जो कि 5 किलोवाट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। आई होप दिस आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो यू कैन आस्क मी इन द क्लासरूम इंशाल्लाह।